कुरवाई में पुस्तक काव्य संग्रह कविता बुला रही है का विमोचन की। बोरासा स्थित रेस्ट हाउस पर विधायक हरीशी सप्रे पूर्व सैनिकों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कुरवाई के पूर्व सैनिक प्रमोद कुमार चौहान की पुस्तक काव्य संग्रह कविता बुला रही है का विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रमोद कुमार चौहान को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से आसपास के पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया। पूर्व सैनिकों के सम्मान में कवि गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुरवाई के कवि एवं शायरों द्वारा कविता एवं शायरी से उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। विदिशा कुरवाई से आशीष सहले की रिपोर्ट। नांगी जो कि हमारे गौ सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथि श्री उमा सिंह जी जाट का पुष्पारों से पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। और भी पुस्तकें होंगी, सभी को अभी और वितरण की जाएंगी। ये धन्यवाद, बहुत बहुत। अपने स्थान पर बैठेंगे अतिथिगण। अभी हमें सम्मान करना है, मैं अनुरोध करूंगा हमारे संस्था के सचिव महोदय से कि वह हमारे बीच में मौजूद शायर और कवियों का भी पुष्पारों से स्वागत करेंगे। जो भी और भी पुस्तकें होंगी, सभी को अभी और वितरण की जाएंगी। तो ये धन्यवाद, बहुत बहुत। अपने स्थान पर बैठेंगे अतिथिगण। और हमारे बीच में श्री फूल सिंह जी कुर्मी समाज से भी हैं, गौ सेवा समिति के, उनसे अनुरोध है कि वे भी हमारे पूर्व सैनिक। मैं सुबदार एमपी जसवाल, पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष हूँ। बासोदा में मेरा निवास है और ये सभी मेरा जो क्षेत्र है बासोदा, विदिशा, कुरवाई, मंडी, मोमोरा, इसके अलावा सिरोंज है, लटेरी है, ये सभी देहात के जितने भी बासोदा से जुड़े हुए हैं क्षेत्र, उस सभी सैनिक पूर्व सैनिकों को इकट्ठा करना और इनको एक मंच पे लाना, इनकी समस्याओं को सुनना और इनकी समस्याएं जो है उनको दूर करना है। बहुत बहुत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।